अब इसे भाजपा का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर अचानक से पर लगे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संतुलन में लाने की नीति। सच्चाई यह है कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा में बटा देखना नहीं चाहती है। भाजपा का यह प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस को पर लग गए थे और अब बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागी स्वर नहीं चाहती। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री का पद गया, सांसदी गई, उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही भाजपा हड़प ली। राष्ट्रीय लोजपा एनडीए विशेष तौर पर चिराग की पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार देकर एनडीए का नुकसान कर सकती है। राष्ट्रीय लोजपा के पास इंडिया गठबंधन में जाने का खतरा बढ़ सकता है, कम हो या ज्यादा इस स्थिति में पासवान वोट का बंटवारा हो सकता है। राजद में पहले से रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु हमेशा चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। पशुपति पारस गर इंडिया गठबंधन में चले गए तो एक और एक 11 बन सकते हैं। कांग्रेस में पहले से ही नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी पासवान पहले से ही चिराग के विरुद्ध कमर कसे हुए हैं। समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने भी सिर उठाकर चिराग को राजनीतिक थ्रेट दे दी है। ये सच है कि अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का मिलना चिराग पासवान की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर देखें भी तो कई ऐसे मसले आए जहां भाजपा के स्टैंड से सीधे उलट मिजाज का प्रकटीकरण करते रहे। मामला चाहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का हो या फिर लैटरल नियुक्ति का या फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का, चिराग पासवान के तीखे स्वर ने इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़ा दिए। भाजपा को अपने ही गठबंधन दल के साथ फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के प्रमुख नेता पशुपति पारस और प्रिंस पासवान से मिल रहे थे जब चिराग पासवान अपनी पार्टी की दुर्गति का दुखड़ा रो रहे थे। सियासी गलियारों की चर्चा बताती है कि बीजेपी के यह एक्शन प्लान के हिस्से की झलक भर है। अपरोक्ष रूप से अमित शाह ने चिराग पासवान को यह बताने की कोशिश की कि मेरे लिए न तो पशुपति पारस और न ही प्रिंस पासवान अछूत हैं। ये कदम हनुमान के कदम को थामने के लिए काफी है। भाजपा लोजपा को पुराने स्वरूप में रखने का पक्षधर है। बटकर लोजपा अपने मतों का बंटवारा करेगी, यह दीगर कि किसकी झोली में कितना वोट आता है। भाजपा बूंद बूंद से घड़ा भरने में माहिर है, इसलिए आश्वासन की चाशनी के फेर में लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस पड़े रहे। अब ले देकर पूरी उम्मीद पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव 2025 से है। पशुपति पारस जानते हैं कि उनके लिए कोई अलग से हिस्सेदारी देने में भाजपा या जदयू कोई अपने सीटों का बलिदान देने नहीं देंगे। ऐसे में एनडीए के बीच सीट बंटवारे में लोजपा के हिस्से में कितनी विधानसभा सीटें मिलेंगी उतनी ही सीटों में पशुपति पारस और चिराग पासवान को एडजस्ट होना है। अगर दोनों सहमत हो गए तो भाजपा की परेशानी कम हो जाएगी।